अभी के टाइम में स्काइप आईडी होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, खास करके तो स्टूडेंट को बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो बोलता है कि आपके पास स्काइप आईडी है या नहीं, क्योंकि आप जो है कॉलिंग इंटरव्यू होगा। कॉलिंग इंटरव्यू का मतलब ये होगा कि आप जो है ऑनलाइन देख के इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको तो व्हाट्सअप, ईमो और बहुत सारे जाने क्या क्या सब ऐप सब डाउनलोड किए रहते हैं और उसमें भी रजिस्ट्रेशन भी किए रहते हैं, लेकिन जो है सभी पर्सन जो है स्काइप को मिसिंग किए रहते हैं, स्काइप डाउनलोड नहीं करते हैं, उस पर आईडी नहीं बनाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको स्काइप आईडी बनाना भी नहीं आता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप स्काइप पर आप किस तरीके से अपना आईडी बनाएंगे। अगर आपको कोई भी बोलता है कि भैया आप अपना स्काइप आईडी दीजिए तो आपको कौन सा स्काइप आईडी देना है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से किस तरीके से आप स्काइप आईडी देंगे। स्काइप आईडी सेम जो है व्हाट्सअप और ईमो की तरह होता है, जो आप देख के एक दूसरे पर्सन को देख के जो है आप उस पर बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो है स्काइप आईडी बनाएंगे। मैं आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान प्रोसेस बताऊँगा, जो आप एक बार देखने के बाद जो है स्काइप पे अपना आईडी बना लेंगे। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको दुकान वाले या साइबर कैफे में भी भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस बताऊंगा, जो देख लीजिएगा एक बार तो आपको जो है बनाना आ जाएगा और आप भूलिएगा भी नहीं किस तरीके से जो है स्काइप पर आईडी बनाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप जो है कहीं जॉब में जाते हैं तो आपके पास भैया स्काइप आईडी होना ही होना चाहिए। तो आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, दोनों प्रोसेस सेम ही है, आप किसी से भी स्काइप आईडी बना लीजिए। तो आपको कैसे बनाना है स्काइप आईडी, इस वीडियो में आपको वो पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्काइप पे अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है स्काइप। जैसे मैं यहाँ पे आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्काइप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्काइप जो है यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। मैं जो इसको पहले से डाउनलोड कर रखा हूं तो यहां पे है इसको ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपके सामने भी यहां पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे यहां पे देख रहे हैं कि इसका रेटिंग जो है 11 मिलियन है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना शानदार ये एप्लीकेशन है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउनलोड जो हुआ है 1 बिलियन प्लस में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने आदमी जो है इसको यूज करते हैं। तो इस पे जो है अपना अकाउंट बनाने के लिए, अपना आईडी बनाने के लिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं स्काइप फ़ोन नंबर या ईमेल के द्वारा भी आप इस पर अपना अकाउंट, अपना आईडी बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना जो है ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि पासवर्ड डालने के लिए, तो आप अपना एक पासवर्ड यहाँ बना लेंगे। इसके पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसके बाद स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है, मैं इंजीनियर राजा, तो शुरू का जो है कैपिटल, इसके बाद आपको स्मॉल, इसके बाद स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर डाल के आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। इसमें जो पासवर्ड जो है एट करेक्टर तक होना चाहिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर देखिए कि आपको सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे अपना सरनेम आपको डाल देना है। डालने के बाद सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करते ही जो है आपके ईमेल आईडी पर कोड गया हुआ वो कोड डालना है आपको। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग आपको चलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप बोला जाए थीम लगाने के लिए, तो आप जो है ब्लैंक या व्हाइट कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए हम यही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ क्या करना है, कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से अपना प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ ईआर लिखा हुआ है, आपको ईआर वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका स्काइप प्रोफाइल है, स्काइप फोन, स्काइप नंबर, यहाँ सेटिंग वाला ऑप्शन है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है, जहाँ से अपना प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अकाउंट एंड प्रोफाइल है, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे अपना जो है सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, स्काइप नेम चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बर्थडे डाल सकते हैं, और भी यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। और बैक आने के बाद यहाँ से जो है आप कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ इस वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है आप एसडी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइकन मिल रहा होगा, इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ओपन होकर आपके सामने में आ रहा है। देखिए कि क्रिएटिंग योर सैनिन नाउ कन्वर्सन, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है ये जो आपको कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। या और यहाँ से जो है आप जो है रिट्राई कर लीजिए एक बार इस तरीके से मीटिंग वाले पे क्लिक करके इस तरीके से, तो ये जो है आपको ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि स्टार्ट मीटिंग है, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो है आप देख के किसी के साथ भी आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, कॉल वाले पे क्लिक कीजिए और जिससे भी बात करना चाहते हैं इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जो है इसमें किसी से भी चैट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट वाले है, इस वाले क्लिक कीजिएगा तो जो जो भी आदमी जो इसका पे आई डी बना रहेगा वो सारे का सारे यहाँ पर आ जाएगा। या आप जो है यहाँ पर से भी जाके इसमें भी आप चेक कर सकते हैं टाइपिंग करके कि कौन से आदमी इसका पे है या नहीं, तो वो नाम यहाँ डाल के आप चेक कर सकते हैं। जो भी होगा वो आपके नीचे इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन आ जाता है, कॉल्स का और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको फ़ोटो वगैरह आपको अगर चेंज करना है तो इसके लिए क्या करें। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में ईआर है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आइकन बना हुआ कैमरा का, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है आप अपना कोई भी फ़ोटो आप इसमें प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। या इस पे जाना है आपको आइकन वाले पे, गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से अपना जो कोई भी फ़ोटो वो चूज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यहाँ से गैलरी से आप चूज करके अपना फ़ोटो जो है स्काइप आईडी में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारा फ़ोटो आ चुका है, तो जो भी फ़ोटो को आपको रखना है आप इसमें से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। चलिए हमको अभी नहीं रखना, तो हम यहाँ से इसको बैक करके वापस आ जाते हैं। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप स्काइप आईडी बना सकते हैं और आप किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं, देख के भी चैट कर सकते हैं और कॉलिंग से भी आप चैट कर सकते हैं। तो गाइस आपने इस वीडियो में सीखा है किस तरीके से स्काइप पे आईडी बनाया जाता है। और मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है स्काइप आईडी को यूज करेंगे या स्काइप आईडी को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आप स्काइप आईडी को यूज करेंगे, यानी उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। कहीं से फ़ोन आएगा या कहीं पे आप फोन को आपको फ़ोन करना है देख के या चैटिंग से, तो वो सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं ये सब डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आईडी एडिट करेंगे, किस तरीके से सेटिंग करेंगे, फ़ोटो कैसे लगाएंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अपना अकाउंट कैसे सेटिंग करेंगे, तो वो जल्द ही मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपने जाना है कि किस तरीके से स्काइप पर अपना आईडी बनाया जाता है और उसको कैसे आप जो है इस्तेमाल करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइस, आपने जाना है कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप किस तरीके से स्काइप आईडी बनाएंगे। अगर आपको कोई पर्सन बोलता है कि अपना स्काइप आईडी दीजिए तो वो आपको कैसे देना है, ये सब आपने इस वीडियो में सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।